तो क्या हाल है लॉन्डो भाई, कम बैक टू अ न्यू रन। आ गया वापस से आज कॉम्पिटिटिव गेम प्ले के साथ, जिसमें हमारा रहता है टूर्नामेंट गेम प्ले एंड थोड़ा सा पुराना क्लिप है जो मैंने अपने लाइव स्ट्रीम से उठाया। तो एक तरह से आप इसे स्ट्रीम हाइलाइट्स कह सकते हो। एंड मैं स्ट्रीम थोड़ा आजकल कम करता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा सा बिजी हूँ अपने लाइफ में। एंड एक या दो हफ्ते में एक बार स्ट्रीम मैं ज़रूर करता हूँ 2 से 3 घंटे की। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड इसमें मेरे अकेले के 8 किल रहते हैं। तो इस वीडियो में तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला कि तुम्हें सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी है, कैसे अपने बंदों को कॉल देना है। एंड जैसे मैं लास्ट में पहने को हम बग्घी घुमाते रह गया था ओपन में, वो तुम्हें नहीं करना है। एंड टीममेट की हमेशा बात माना करो। मैं लास्ट में एक हल्की सी गलती कर देता, वो तुम्हें वीडियो देखने में पता चल जाएगा। एंड इससे मेरा एक 1v4 रहता है एंड एक 1v3। तो पूरा वीडियो देखना, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना वो भी सीखने को मिलेगा। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। गाड़ी पे बंदे उतर गए लॉल। भाई तो बोला मैं अभी ब्रो। भाई लूट लो फिर पहले। कौन मार रहा है? क्यों फायर कर रहे हो बे? भगाने के लिए। मेरे आगे रुक गए, उनकी गाड़ी फंस गई। मारे डालो उनको, मारो मारो। अबे स्कोप वोप नहीं है, SKS और M1 है भाई मेरे पे। तब भी एक दो गोली लगी है मेरे से बस। उन पे कोई गन ही नहीं है, वो लोग सीधा व्हीकल कूदे हैं। हां पता है। अब क्या होता है यहाँ पे, हल्का फुल्का लूट करने के बाद हमारे आगे से रोटेशन जाता है, दैट इज US एंड बग्गी का। तो मैं ट्राई करता हूँ शॉट्स लेने का, लेकिन शॉट्स एक भी कनेक्ट नहीं होता है। लेकिन बाय चांस US का जो पीछे वाला टायर है वो फूट जाता है, तो मैं बाकी बंदों को मजबूर करता हूँ कि वो ओपन में भागे पैदल अपना। सो आगे देखिए वीडियो में क्या होता है। अब मैं डायरेक्ट आपको अपनी रोटेशंस की तरफ लेके चलूंगा क्योंकि हमारा लूट फूट हो चुका है। वो ब्रिज वगैरह होल्ड क्यों किया? पेट्रोल पंप ये वाला भी होल्ड करते हैं। जाना ही नहीं, यहीं पे रहो मैक्सिमम। चल मैं जा रहा हूं, क्या डर रही है? अबे स्कोप नहीं मिल रहा भाई मेरे को, एक्सटेंडेड चाहिए भाई। कौन सा मेरे पे, कौन सा? अबे यार रिज पे रोक के देख लेना, रुक जा मैं देख रहा हूं। रिज पे रोक के देख लेना, खूब नहीं ये वाला लूटेड है, नहीं है, क्लियर है। चल तो फिर अभी यहाँ पे क्या सीन रहता है अपना, मैंने जैसे ही कॉल दिया कि ये लूटेड नहीं है तो चलो। तो वहाँ पे अपने बंदे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लूट भी कर लेते, उन्हें सोच चाहिए था। एंड अपने आगे से मतलब हम जस्ट यहाँ पे कंपाउंड में 50 to 60 seconds रुके हैं। एंड तभी आगे से मेरे बंदे को कॉल आता कि भाई देखो ओपन से गाड़ी आ रही है, तो उसके आगे देखो क्या होता है। नहीं चले गए, बहुत सही फोड़ दिया इसने। मैं स्मोक डाल रहा हूं, रिकॉर्ड घुस जा, रुक जाना। पैनिक के अंदर है, पैनिक के अंदर है, लेफ्ट में आया। घुसना मत, मैं नेड कर रहा हूं। घुसना मत, दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा फोड़, दरवाजा फोड़, दरवाजा फोड़। एक बंदा है इसके अंदर, आ जाओ। राइट में कैंप कर रहा है। बहुत सही, ऑर्डर ऑर्डर, इजी, लेट्स गो। बहुत बढ़िया। हां डीपी राइट में बैठे थे दोनों। सो इस स्क्वाड के सिर्फ 3 ही बंदे रहते हैं, इन्हें इमीडिएट वाइप करते हैं। थोड़ा सा पैनिक मैं भी हो जाता हूँ क्योंकि अपन 3 ही थे तब फ्रंट लाइन पे, जब हमारा बंदा नॉक हो जाता है, एक रिवाइव हो रहा होता है और मैं एक ही फाइट ले रहा था। तो तब भी मेरा बंदा नेड वेट से फोड़ के जैसे तैसे हम स्क्वाड को वाइप कर देते हैं। फिर अपने आसपास से काफ़ी शॉट्स आने लगते हैं, फिर रोटेशन भी आ रही थी तो हमने उन पर इतना फोकस नहीं किया। एंड अब वीडियो में मेन टाइम आ गया जहाँ पे आपको मेरा क्लच देखने को मिलेगा। सो पूरा वीडियो देखना यार, मैं बता रहा हूँ अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसके आगे वाले पार्ट पूरा देखना। इसका मतलब ऐसा थोड़ी आगे बंदे यहाँ पे, हेडबैट लगा यार, ने क्रॉस भी ना भाई, नू पंती भाई फुल आएगा भी। हम लोग भी निकले क्या फिर?
तुम इधर ही रुको अभी। आगे बग गया ही मेरे। बग गया ही। उतार दिया। एक और। All dead. 1v3. और अबे इनका कार्ड। वाह भाई। सो यहाँ पे जो 1v3 किया मैंने, ये तुम्हें कैसा लगा ये जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अब जोन अपने पे बिल्कुल ही फेवर नहीं करता, हम ऑलरेडी एच पे थे। एंड मैंने अपने टीममेट्स को कॉल दिया कि भाई एज से रोटेशन लो, बिल्कुल एज से जाके स्नाइपिंग टावर पकड़ते, एक रिच पे स्नाइपिंग टावर रहता है, तुम्हें वीडियो में देखने को मिलेगा। एंड मेरे को लगा कि वहाँ पे एक या दो बंदे तो मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि एक आधा बंदा बच जाता है ऐसी ऐसी फाइट्स में, तो वहाँ पर पूरा स्क्वाड बैठा मिलता है। एंड तुम देखना वहाँ पे सिचुएशन कैसे हैंडल करता हूँ मैं, तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि अब क्या होने वाला है। सो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्लिप होने वाली है। यहाँ पे यूएस खड़ा है, यूएस ले लो कोई। ऊपर रे ऊपर पे बंदे हैं। अरे लॉर्ड स्टार पे बंदे। हाँ तो रहेंगे ना, तू नीचे से क्लियर कर सकते हो, लोग ऐसा बोल रहा हूँ। मेरा आगे ही बंदे है, पोस्ट आवर गया। फायरिंग फूंक क्यों दिया बे? नॉक वाला भी नॉक है नीचे, नीचे नॉक है वाला। वाला जो जोन के अंदर जाना, किधर जा रहा है तू? मैं रैप दे रहा हूँ। अरे कौन है भाई? एक और नॉक। अबे आजा। All dead. 1v4 बे। बाबा स्क्रीन गॉड ओपी। अबे एक एच पे। तो गाइज ये तो रही अब हमारे किल्स की, 8 किल्स तो हमारे हो चुके हैं। एंड अब तुम्हें दिखेगा कि मैंने क्या हरकतें पहली, जिसकी वजह से मैं मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ना हीट अप हो गया। राइट में ही बंदे, ऊपर में ही बंदे, आगे ही बंदे अपने, जाए तो जाए कहाँ से। जोन का डैमेज लेने का फ़ायदा नहीं था। एंड 23 अलाइव थे, सो बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है ना नेक्स्ट लेवल हो गई थी। तो देखना मैं कहाँ कहाँ पैनिक हुआ। एंड मैं बताऊँगा जिस मोमेंट पे जो मैंने गलती की वहाँ पे मेरे को क्या एक्शन लेना था, जिससे हम ईजी जाते थे। कैसे निकले बस? लेफ्ट से जा। हाँ लेफ्ट से आ जाओ। लेफ्ट आ रहा है। देखा ये बंदा बगिया कवर लेके अपना सांप बना हुआ था। एंड मैं मेरे को क्या करना था यहाँ पे, इससे फाइट लेनी चाहिए थी, जिससे मेरे को आगे जोन में जाके बीटी ना हो। मैं और आगे चला जाता हूँ एंड वहाँ पर और बंदे होते हैं, फिर मैं वापस से घूम के आता हूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं पैनिक हो गया था, तो लास्ट जाके मैं जोन पकड़ता भी हूँ। एंड देखो फिर मैं वापस से क्या गलती करता हूँ, जिसकी वजह से मैं मर जाता हूँ। तो अभी आपने जैसे देखा कि मैं नेट डालता हूँ ड्रॉप के पीछे, मैं भी मेरे को लगता है कि भाई डैमेज लगा उसे, तो मैं उठ के मारने लगता हूँ। एंड काफ़ी गोली रिजिस्ट करता हूँ मैं, तो उससे पता चलता है कि नेट से वो फटा नहीं था, हल्का था भी। सो मेरा टीममेट बारी बारी बोलता रहता है भाई फायर मत दियो, किल चुराइयो लास्ट में। लेकिन अब मतलब मैंने उसका बात उस टाइम पर सुना नहीं प्रॉपरली, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रखा था, तो उसकी वजह से मेरे को जो दूर से बंदा है उसका मार देता है। सो बस आज के लिए बस इतना ही करते हैं फिर। एंड अपने टीममेट्स के साथ ज़रूर शेयर करना, जिससे उनको भी थोड़ा बहुत चीज़ें सीखने को मिले। एंड ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन सी यू, सायनारा, गुड बाय।